नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कसौटी पर चार साल में आपका स्वागत है और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। इस प्रोग्राम के जरिए आज हम पहुंचे हैं जिला कानपुर देहात के डेरापुर तहसील के अंदर। यहां पर सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, विकास के पथ पर ये तहसील कितनी अग्रसर हुई, इसको जनता की कसौटी पर परखने की कोशिश करेंगे। इस दौरान तमाम अधिकारी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ के साथ जनता जनार्दन भी हमारे साथ मौजूद होगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने माननीय मेहमानों से आपको मुखातिब कराते हैं। मंच पर हमारे बीच मौजूद हैं शिव शंकर गुप्ता जी, जो कि एडीएम हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। साथ में हमारे साथ मौजूद हैं विवेक त्रिपाठी जी, जो कि पीडी हैं। और साथ के साथ सुरक्षा के मुद्दे पर बात करने के लिए मंच पर हमारे बीच मौजूद हैं डीएसपी साहब पीएम त्रिपाठी जी, जिनसे सुरक्षा के मुद्दे पर बात करेंगे। एडीएम साहब के साथ प्रोग्राम को शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तहसील डेरापुर के अंदर विकास के कौन कौन से काम हुए हैं। एडीएम साहब। धन्यवाद सोलंकी जी। प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। समाज के गरीब तबके के लिए समाजवादी पेंशन योजना, समाज के आवासहीन और निर्बल वर्ग के लिए लोहिया आवास योजना, और ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमता को बढ़ाने के लिए कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, माइक्रो कामधेनु योजना, तथा मेधावी बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना, लड़कियों को आगे की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए संशोधित कन्या विद्याधन योजना, ग्राम दूरदराज के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 102 और 108 एम्बुलेंस योजना, निराश्रित महिलाओं को, विधवाओं को विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, तथा आकस्मिक रूप से परिवार के मुखिया की मृत्यु होने पर पारिवारिक लाभ योजना, व समाज के सभी वर्गों को दो बीमा योजनाओं से प्रदेश सरकार द्वारा बीमित किया गया है। पहली योजना है किसान दुर्घटना बीमा योजना। इसमें 12 से 70 साल की उम्र का कोई किसान जिसका नाम खतौनी में कितनी भी भूमि पर दर्ज है, यदि उसकी मृत्यु आकस्मिक रूप से होती है तो उसको 5 लाख रुपया, यदि वो स्थायी विकलांग होता तो भी 5 लाख रुपया, यदि आंशिक विकलांग होता तो 2.5 लाख रुपये दिए जाने का प्राविधान है। इस योजना के तहत तहसील डेरापुर में अभी तक 82 लोगों को 3.90 करोड़ की सहायता वितरित की जा चुकी है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भूमिहीन हैं, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, उनको आम आदमी बीमा योजना से प्रदेश सरकार द्वारा बीमित किया गया है, और इस योजना का सारा जो प्रीमियम है वो प्रदेश सरकार वहन कर रही है। इसमें भी जो व्यक्ति किसी व्यक्ति की समान मृत्यु हो जाती है उसको 30,000 रुपया, यदि उसकी मृत्यु दुर्घटनावश होती है तो उसको 17,000 रुपया। इसके अलावा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो विविध परिवार हैं उनमें जो 9 से 12 तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको प्रत्येक बच्चे को 100 रुपये की पेंशन दिए जाने का प्राविधान है। हमारे जिले के पूरी टीम द्वारा इन योजनाओं को बड़े परिश्रम से जन जन तक पहुंचाया गया है तथा इसको लागू किया गया है। आगे भी हम इन योजनाओं को जन जन तक पहुँचाएंगे तथा इन सभी योजनाओं का लाभ जन समान तक मिले, इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। जय हिंद। तो योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया और प्रयास यानी कि कोशिश का जिक्र भी यहाँ पर किया गया, लेकिन ये कोशिशें कसौटी पर कितनी जनता के खड़े उतर पाई ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले पीडी साहब हमारे साथ हैं, विवेक त्रिपाठी जी जो कि परियोजना निदेशक हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि तहसील में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं और उनके जरिए कितना विकास हुआ। प्रदेश के समग्र विकास के लिए विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्तमान सरकार का ये उद्देश्य है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी चल रही हैं उनका अमलीजामा जिले स्तर पे प्रत्येक दशा में वो नीचे तक पहुंचे। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें समाजवादी पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अत्याचार से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता के साथ साथ महिला पेंशन योजना भी संचालित की जा रही है। जो हमारी विशेष योजना जो आवास से संबंधित योजना है, लोहिया आवास योजना, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो आवासीय योजना के रूप में
वर्ष 12-13 में प्रारंभ हुई थी और विगत 4 वर्षों में हमने कुल 1725 लाभार्थियों का चयन करते हुए हमें इस योजना में उनको लाभान्वित कराया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे व्यक्ति जो आवासहीन हैं और जिनकी आय वार्षिक आय 36,000 रुपये से कम है, ऐसे लोगों को हम लोहिया आवास दें। केवल आवास की बात नहीं है, इसमें हम उनको प्रयास करते हैं कि उनको जो बेसिक सुविधाएं हैं, स्वच्छ शौचालय, इसके साथ साथ उनको सोलर लाइट की भी व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत हम कर रहे हैं। जहां तक डेरापुर तहसील की बात है, यहां पर 291 लोगों को लोहिया आवास योजना के अंतर्गत इनको चयनित किया गया है और उन्हें हम लाभान्वित करा रहे हैं। काफ़ी लोगों के आवास पूर्ण हो चुके हैं, कुछ इसमें इस समय प्रक्रिया में है जो जल्दी ही पूर्ण कर दिए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा एक और महत्वपूर्ण योजना, जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वो समग्र ग्राम विकास योजना है। इस योजना के अंतर्गत हम ऐसे गाँव का चयन करते हैं जो विकास से अछूता है या जहाँ पे कम विकास हुआ है, ऐसे हम प्रत्येक वर्ष 23 ग्रामों का हम चयन करते हैं। उसी के तहत हम लगातार 4 वर्षों में हम 23 गांवों का चयन कर चुके हैं। उसमें बेसिक जो सुविधाएं जरूरतमंद लोगों को जरूरत होती है, जैसे सड़क हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गया, स्वच्छ शौचालय हो गए, आवास हो गए, इन सबसे हम उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि कानपुर देहात में जो भी योजनाएं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसका 100% हम उसका यहाँ पे क्रियान्वयन करें और लोगों को इसका लाभ पहुंचाएं। तो देखा आपने किस तरीके से योजनाओं का एक बड़ा अंबार है जिसके जरिए प्रदेश की जनता खुशहाली के पथ पर आगे बढ़ रही है। लेकिन परियोजना निदेशक विवेक त्रिपाठी जी ने एक योजना का अहम जिक्र किया, योजना लोहिया आवास योजना। आगे बढ़े उससे पहले जनता का रुख कर लेते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या लोहिया आवास ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। क्या हमारे बीच कोई लाभार्थी मौजूद है जो बता पाए कि लोहिया आवास योजना ने कैसे जिंदगी को खुशहाल बना दिया? टूटी फूटी झोपड़ी में रहने वाले जिसे लोहिया मिल गया, गरीब आदमी अपना परिवार संचाल से चलाने लगे, रहने लगे जी। और उसमें सारा ही परिवार मड़िया झोपड़ी में रहने वाले कितनी जय जयकार सरकार की मचाते हैं, बहुत भारी जय जयकार। क्या आपको लगता है कि अगर लोहिया आवास योजना का फायदा नहीं मिलता तो शायद जिंदगी में आप कभी पक्का मकान हासिल ना कर पाते? जी सर, नहीं, कभी भी मकान हासिल नहीं कर पाते। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिनका कच्चा मकान था उनको पक्का मकान लोहिया आवास योजना के जरिए मिला है, लेकिन सुरक्षा एक अहम मुद्दा है। जिले के अंदर, तहसील के अंदर सुरक्षा किस तरीके से लोगों को मुहैया कराई जा रही है, क्या कुछ कदम इसके लिए उठाए गए? मंच पर हमारे बीच डीएसपी साहब पीएम त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सुरक्षा के मुद्दे पर क्या कुछ किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षा भावना पैदा करने के लिए एवं साथ ही भयमुक्त समाज के निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें से प्रमुखता रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष है, जिसमें 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। न्याय के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता इसलिए दी जाती है कि उनका सम्मान बना रहे और अपना वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर ना हो और शिक्षा एवं चिकित्सा के लिए उनके पास पर्याप्त धनराशि रहे। इसके अलावा सड़क दुर्घटना योजना है, जिसमें 25,000 रुपये मृतक के परिवार को एवं 12,500 रुपये घायल को दिया जाता है। इसके अतिरिक्त पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, जिसमें 5 लाख तक की आर्थिक सहायता उसमें प्रदान की जाती है। न्याय के साथ साथ आर्थिक सहायता भी इसमें दी जाती है। बहुत अति महत्वपूर्ण जो महत्वाकांक्षी योजना है, वुमेन पावर लाइन 1090, जो पूरे प्रदेश में बहुत व्यापक रूप से चल रही है, उसका पूरे समाज को बहुत फायदा हो रहा है। खास तौर से ये महिलाओं बालिकाओं के लिए है, ये केंद्रीकृत योजना है। इसमें निःशुल्क 1090 पर फ़ोन करके कोई भी सहायता प्राप्त की जा सकती है और पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंचकर उनको सहायता प्रदान की जाती है, उनको न्याय दिलाया जाता है। इसके अलावा 100 डायल, जो कि 15 सितंबर 2016 से लागू होने वाली है, अभी वर्तमान में प्रत्येक ज़िले में ये अलग अलग चल रही है, लेकिन इसको भी केंद्रीकृत किया जा रहा है, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश में 24,000 कांस्टेबल, लगभग 3,000 फोर व्हीलर गाड़ियाँ लगाई जाएंगी, जिसमें 10 मिनट से लेकर 20 मिनट तक के अंतराल में पुलिस मौके पर पहुँचेगी और सभी तरह की समस्याओं को उसका निराकरण करेगी। जन सुनवाई एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और ऑनलाइन ही उसमें अपनी जांच की रिपोर्ट देख सकता है, अपनी कार्रवाई को देख सकता है। समाधान दिवस, जो कि थाने पर प्रत्येक प्रथम शनिवार एवं तृतीय शनिवार को लगाया जाता है, इसमें जिले के सभी मुख्य जो विभाग के लोग रहते हैं, राजस्व विभाग के हैं, पुलिस विभाग के हैं,
बिजली विभाग के हैं, नगर पालिका हैं, सभी लोग इसमें एकत्रित होते हैं और मौके पर जाकर ही इसका समस्याओं निस्तारण किया जाता है। एक ई थाने शुरू किए गए हैं प्रदेश में, जो बहुत बड़ी समस्या आती थी कि हमारी FIR दर्ज नहीं होती है थानों पर, उसमें कोई भी व्यक्ति केवल ऑनलाइन अपनी FIR दर्ज करा सकता है, जैसे कि वाहन चोरी हुई या कोई चीज़ गुमशुदगी हो गई है, तो कोई भी FIR उसमें ऑनलाइन दर्ज हो सकती है, उसको कोई थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है। साइबर क्राइम के संबंध में भी थाने स्थापित किए गए हैं, कई लोगों के क्योंकि नया मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और साइबर संबंधित काफ़ी अपराध हो रहे हैं, तो उन नए थानों का गठन हुआ है जो कि उसके द्वारा साइबर क्राइम संबंधित अभियोगों के विवेचना की जाएगी। तो तमाम तरीके की योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं, सुरक्षा के मुद्दे पर भी पूरा पुलिस महकमा अलर्ट है, सतर्क है और जनता उनके प्रयासों की वजह से सुरक्षित भी महसूस यहां पर कर रही है। लेकिन किस योजना ने किस तरीके से लोगों की जिंदगी को बदल दिया, तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया, सुरक्षा के मुद्दे पर बात की गई, लेकिन अलग अलग योजना किस तरीके से काम करती है, सबसे पहले रुख करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK अग्रवाल जी, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जिले के अंदर, तहसील के अंदर कौन कौन से काम हुए। गत 4 वर्षों से स्टेट गवर्नमेंट का विशेष प्रयास रहा है कि बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दूर दराज तक पहुंचे, जिससे कि ग्रामीण अंचल में रहने वाले वासियों को लाभ हो सके। इस संबंध में कई सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। अहम है जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत 102 एम्बुलेंस सेवा चालू की गई है। एम यह है कि गर्भधारण से मृत्यु तक जनमानस के का ख्याल रखना। 102 एम्बुलेंस सेवा डिलीवरी के टाइम पे मरीज को पास के अस्पताल में लेके जाती है और वहाँ पे मरीज की सुरक्षित प्रसव कराने के लिए अस्पताल को उच्चीकरण किया गया है। वहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी है, डॉक्टर मौजूद है और जब डिलीवरी हो जाती है उसको 48 से 72 घंटे रखा जाता है और उसका खान पीन का विशेष ख्याल रखा जाता है और उसके बाद उसको घर पे 102 सेवाओं से वापस भेजा जाता है। इसके अलावा 108 सेवा भी एम्बुलेंस सेवा मौजूद है, जिसमें कि बीमार व्यक्ति को नियर बाई पास के अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि उसको उचित इलाज मिल सके या उचित मार्गदर्शन दिया जा सके। अब तक गैरतपुर तहसील में 12,354 लोगों को 102 और 108 सेवाओं से लाभ दिया जा चुका है। इसके अलावा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि टीकाकरण बच्चों का कराया जाता है, जिससे जिन विभिन्न बीमारियों से बच्चों को बचाव किया जा सके। चलिए शुक्रिया CMO साहब, आपने बताया किस तरीके से योजनाएं यहां पर चलती हैं और काम करती हुई नजर आती है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ जिला विद्यालय निरीक्षक प्रेम प्रकाश मौर्य जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि छात्राओं के लिए किस तरीके की योजनाएं यहां पर चल रही है। माध्यमिक शिक्षा के उन्नयन हेतु सरकार द्वारा कुछ योजनाएं संचालित हैं, जिसमें सरकार की सबसे महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी योजना कन्या विद्याधन वितरण योजना एवं लैपटॉप वितरण योजना है। इस योजना के लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत जनपद में 21,539 लैपटॉप अब तक बांटे गए हैं तथा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 8,424 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत जहां सरकार की वरीयताओं में ये है कि जो भी मेधावी छात्राएं हैं, गरीब तबके की छात्राएं हैं, इंटर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आर्थिक तंगी के कारण जिनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाती, इस धनराशि का उपयोग करते हुए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। वहीं लैपटॉप वितरण के पीछे सरकार की मंशा ये है कि नई जनरेशन में एक तकनीकी के प्रति आकर्षण पैदा किया जाए और ग्लोबलाइजेशन के इस युग में जो भी विकास हो रहे हैं, बच्चों को सीधे उनसे जोड़ दिया जाए। चलिए शुक्रिया, यानी कि बताया किस तरीके से दो अहम योजनाएं यहां पर चलाई जा रही हैं, एक लैपटॉप वितरण योजना और दूसरी कन्या विद्याधन योजना, यानी कि एक से दुनिया के साथ बच्चे जोड़ रहे हैं और दूसरों से छात्राएं प्रोत्साहित हो रही हैं ताकि वो आगे बढ़ सके। क्या कोई लाभार्थी हमारे बीच मौजूद है जिन्हें लैपटॉप वितरण योजना का फायदा मिला हो? सरकार द्वारा लैपटॉप वितरण योजना से लाभान्वित होकर
मुझे लैपटॉप मिला और लैपटॉप शिक्षा एवं तकनीक के क्षेत्र में जो विकास हो रहे हैं लैपटॉप के माध्यम से इंटरनेट की सहायता से उसकी जानकारी करना आसान हो। तो लैपटॉप के जरिए बच्चे नित नई जानकारियां हासिल कर रहे हैं, लेकिन कन्या विद्या धन के जरिए एक अहम पहल की गई। एक तरफ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटी पढ़ाओ। क्या हमारे बीच कोई लाभार्थी मौजूद है जिसको कन्या विद्या धन का फायदा मिला हो, योजना का फायदा मिला हो? 30,000 रुपए जो मिली कन्या विद्या धन, उसमें मेरी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही जी। मैं इस 30,000 रुपए से अंक पढ़ाई अपनी जारी कर सकती हूँ, बिना परिवार की मदद से प्रयाण कुछ कर सकती हूँ। चलिए शुक्रिया। यानी कि जो बच्चियाँ पढ़ नहीं पा रही थी वो आगे कैसे पढ़े, इसके लिए कन्या विद्या धन योजना की शुरुआत की गई और उसके जरिए बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन क्या लोगों को रोजगार मिल रहा है? कौशल विकास से जुड़े मेरे साथ सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानकारी जरा लेते हैं कि कौशल विकास के क्षेत्र में क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। कौशल विकास मिशन के अंतर्गत क्योंकि सारी योजनाएं चलती है उनमें तकनीकी योग्यता सबसे अहम होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद में लगभग 10 स्थानों पर डेरापुर तहसील में ट्रेनिंग लगातार कराई जा रही है, जिसमें विभिन्न व्यवसाय में बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए अपना रोजगार पा रहे हैं। एवं जैसे लोहिया गांव या अन्य योजनाओं में तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ती है तो ये बच्चे सोलर एनर्जी पर भी अपना काम अच्छा कर रहे हैं और जनपद को पूर्ण सहायता प्राप्त करा रहे हैं। शुक्रिया। हमारे साथ ITI के प्रधानाचार्य प्रदीप अग्निहोत्री जी थे। लेकिन कौशल विकास ने किस तरीके से बेरोजगारों को रोजगार के पद पर ला दिया? क्या कोई लाभार्थी हमारे बीच मौजूद है जो बता पाए कि कौशल विकास ने क्या कुछ बदला है? मुझे रोजगार के माध्यम से ये कौशल विकास के योजना के बारे में पता चला। इसमें हर बेरोजगार को अपने हुनर के साथ काम मिलता है। चलिए शुक्रिया। क्या कोई और लाभार्थी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है? मुझे आशा है इसके जरिए से अनेक युवाओं को नौकरी या जॉब के साधन भी मिल सकते हैं और उनको एक अच्छा अवसर सुनहरा अवसर भी मिलेगा उनको जॉब करने के लिए। तो देखा आपने, जच्चा बच्चा से लेकर छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए, छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं हैं और फिर उसके बाद रोजगार मुहैया कैसे हो इसके लिए भी योजना बनाई गई। योजना बुजुर्गों के लिए भी है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े रह सके, सम्मान की जिंदगी जी सके। सपा पेंशन की इसके लिए शुरुआत की गई, समाजवादी पेंशन की शुरुआत इसके लिए की गई। मेरे साथ यहाँ पर राजीव लोचन मिश्रा जी मौजूद हैं जो कि जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से योजनाएं लोगों की जिंदगी को खुशहाल बना रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समाजवादी पेंशन योजना जो भारत वर्ष में पहली बार ऐसी पेंशन योजना लॉन्च करी गई है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा और साक्षरता से जुड़े हुए बिंदुओं को भी ध्यान में रखते हुए ऐसे गरीब व्यक्तियों को जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको 500 रुपये प्रति माह पेंशन की व्यवस्था की गई है। क्या हमारे बीच कोई लाभार्थी यहाँ पर मौजूद है जो समाजवादी पेंशन का फायदा उठाते हो और समाजवादी पेंशन ने उनकी जिंदगी को बदला हो? इस समाजवादी पेंशन में मुझे प्रति माह 500 रुपये मिलते हैं जिससे अपने घर के परिवार के खर्चे के लिए काम आती है और मुझे इस समाजवादी पेंशन योजना से संतुष्ट हूँ, सरकार से संतुष्ट हूँ। क्या कोई और लाभार्थी हमारे बीच मौजूद है? हाँ सर, धन्यवाद इस समाजवादी पेंशन से जो हमारे हम जैसे गरीब परिवारों को खर्चे चलाने में सहयोग कर रही है। हम समाजवादी पार्टी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं। तो समाजवादी पेंशन और समाजवादी सरकार का शुक्रगुजार यहाँ पर है, यानी कि कसौटी पर सरकार पूरे तरीके से खरा यहाँ पर उतर रही है। लेकिन किसानों को लेकर सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किसानों के लिए क्या कुछ किया गया। नमस्कार। जनपद में पशुपालकों के हितों में लाभकारी योजनाओं में डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तहसील क्षेत्र देरापुर में 1 कामधेनु, 5 मिनी कामधेनु और 6 माइक्रो कामधेनु योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 550 देसी उन्नत नस्ल की भैंसें और क्रॉसब्रेड साहिवाल, क्रॉसब्रेड हॉस्टन फ्रीजियन, क्रॉसब्रेड जर्सी प्रदेश के बाहर से यहाँ के पशुपालकों द्वारा लाए गए हैं और जिनके द्वारा वो उन्नत
पशु प्रजनन के द्वारा क्षेत्र में एक एग्जाम्पल भी क्रिएट कर रहे हैं और उससे लाभान्वित होकर दूध का विक्रय करके न सिर्फ अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं लेकिन एक मॉडल डेयरी के रूप में विकसित होकर लोगों के प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। इस योजना में ये चौथाई धनराशि मार्जिन मनी के रूप में लाभार्थी स्वयं वहन करता है, बैंक से बाकी 3/4 ऋण लेता है तथा इसमें ब्याज मुक्त के रूप में प्रदेश सरकार उनके ब्याज की भरपाई करती है। योजना को सही रूप से संचालित करने की दशा में पशुपालन विभाग उनके स्वास्थ्य रक्षा के लिए, उनके टीकाकरण के लिए और अन्य योजनाओं के लिए हमारे विभाग के डॉक्टरों द्वारा उनको भरपूर सहयोग प्रदान किया जाता है। चलिए शुक्रिया, यानी कि पशुपालकों के लिए भी सरकार कामधेनु योजना के जरिए उनका सहारा बन रही है, उनको उनके पैरों पर खड़ा कर रही है। क्या हमारे बीच कोई लाभार्थी मौजूद है जो बता पाए कि कामधेनु योजना से उनको क्या लाभ मिला और इस योजना के जरिए उनकी जिंदगी में क्या कुछ बदल गया? सर मेरे 2 एकड़ जमीन है जिसमें कि मैं खेती बाड़ी करता था जी, और मेरे पास इतना पैसा नहीं था, जबकि मैंने इस योजना का लाभ लेकर के मतलब 25 लाख रुपया ब्याज मुक्त योजना का लाभ ले रहा हूँ और मैं अपनी डेयरी मैं खुद अपने घर परिवार के साथ मिलकर के चला रहा हूँ जी, दूध भी बेच रहा हूँ और फायदा भी मेरे को हो रहा है। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इनको योजना का लाभ बखूबी यहाँ पर मिल रहा है, उसके जरिए वो अपने पैरों पर खड़े भी यहाँ पर हुए हैं, परिवार का पालन पोषण भी आसान यहाँ पर हो गया है। लेकिन किसानों के लिए और क्या क्या किया गया है, हमारे बीच उप कृषि निदेशक आर के तिवारी जी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों के लिए और क्या क्या यहाँ पर किया गया है। किसानों के लिए कृषि विभाग की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन किसानों के हितार्थ जो सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजना है वो किसान पारदर्शी योजना और DBT योजना है। यद्यपि यहाँ सोलर पंप इरिगेशन योजना भी है, एग्री जंक्शन भी है, लेकिन अभी हम लोगों का प्रदेश सरकार का फोकस किसान पारदर्शी योजना पे है। किसान पारदर्शी योजना वो है जिसमें कि पारदर्शिता को स्पष्ट करने के लिए, कायम रखने के लिए किसानों का हम पंजीकरण कराते हैं कि जो भी इनपुट कृषि निवेश वो लेते हैं उसका एंट्री उस उनके अकाउंट में कर दी जाती है। अभी तक हमारे जिले में करीब 1 लाख लोगों का पंजीकरण कराया गया है और इस डेरापुर तहसील में लगभग 16,000 लोगों का पंजीकरण हुआ है जी। दूसरी हमारी योजना जो DBT योजना है, इसके अंतर्गत किसानों के खातों में अनुदान की धनराशि हम सीधे RTGS के माध्यम से स्थानांतरित करते हैं। उस कड़ी में विगत वर्ष 15-16 में हमने करीब 32,890 किसानों को लाभान्वित किया जिसमें उनके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए। इस डेरापुर तहसील के 7,150 किसानों को लाभ दिया गया है वर्ष 15-16 में। इसी तरह वर्ष 16-17 में अभी खरीफ तक 5,490 किसानों को हम लोगों ने लाभ प्रदान किया है जिसमें डेरापुर के 1,100 कृषक हैं। हमारा प्रयास है अपने कर्मचारियों के माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचलों में किसानों को हितार्थ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को आगे बढ़ाएं। चलिए शुक्रिया। तो इन्होंने बताया किस तरीके से किसानों के लिए भी योजनाएं चल रही हैं और उनमें से सबसे अहम है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि बिचौलियों का टेंशन ही नहीं, सीधे खाते में पैसा यहां पर आ जाता है। क्या कोई लाभार्थी हमारे बीच मौजूद है? रविंद्र यादव, सनाब श्री सुंदरलाल यादव, ब्लॉक झिंझक, ग्राम जुरिया का निवासी हूं सर। इस डायरेक्ट बेनिफिट योजना से हम लोगों का जो बीच में भ्रष्टाचारी थी वो खत्म हो गई। अब हम जब बीज लेने जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर अपना उत्तम किस्म का बीज लेकर के पूरा पैसा दे के आते हैं और उसकी जो सब्सिडी है वो सर सीधे हमारे खाते में आ जाती है, जिससे मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। यानी कि आपकी कसौटी पर सरकार पूरे तरीके से खरी उतर रही है। क्या कोई और लाभार्थी हमारे बीच मौजूद है जो बता पाए कि DBT से उनकी जिंदगी में क्या कुछ हुआ? पिछले वर्ष से हमने इसका लाभ लेना प्रारंभ किया हमारे सभी किसान भाइयों ने, तो उस समय तो जरूर लगा कि हमें पूरा पैसा देना पड़ा जी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मेरा पूरा पैसा मेरे खाते में आ गया। यानी कि आप इस सरकार की इस योजना से खुश हैं? हाँ, ये हम खुश हैं जी, क्योंकि पहले जरूर लगता है लेकिन पैसा पूरा मिलता है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरीके से किसानों के लिए भी योजनाएं कुछ ऐसी चलाई गई कि खेती आसान हो गई और किसान खुद ये कहता है कि सरकार उनकी कसौटी पर पूरे तरीके से खरी यहाँ पर उतर रही है। मजदूरों के लिए क्या सरकार ने कुछ किया है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं श्रम प्रवर्तन अधिकारी विनीत त्रिपाठी जी,
उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मजदूरों के लिए क्या कुछ किया गया है। जी, निर्माण श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए हम लोग भवन निर्माण में लगे हुए श्रमिकों को पंजीकृत करते हैं और साथ में मनरेगा श्रमिकों को भी पंजीकृत करते हैं। जी, इस जनपद में अब तक हम लोग 34,000 श्रमिकों को पंजीकृत कर चुके हैं और इनको हम लोग विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करा रहे हैं। हमारी मुख्य योजना है शिशु लाभ योजना, मातृत्व लाभ योजना और हमारी सबसे लोकप्रिय योजना है साइकिल सहायता योजना। इसमें हम लोग साइकिल प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वर्कर जो है अपने कार्यस्थल पर आसानी से पहुँच सके। और हम लोग अभी जनपद में 7,000 साइकिलें श्रमिकों को उपलब्ध करा चुके हैं और डेरापुर में हम लोग 895 श्रमिकों को साइकिल उपलब्ध करा चुके हैं। चलिए शुक्रिया। यानी कि साइकिल मजदूरों को यहाँ पर दी जा रही है ताकि वो जब मजदूरी के लिए जाएं तो भी उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस तरीके की योजनाएं शायद ही किसी प्रदेश में चल रही होंगी। आज हम थे डेरापुर तहसील के अंदर, जहां हमने जानने की कोशिश की कि सरकार की योजनाएं कैसे जनता की कसौटी पर खरा उतर रही हैं और किस तरीके से उनकी जिंदगी को खुशहाल बना रही है। इस प्रोग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिले की किसी और तहसील के साथ और सरकार की योजनाओं को जनता की कसौटी पर परखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।